नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के पहलवानों के हक में आवाज उठाने के लिए क्या फैसला लिया है, साथ ही किस तरह की जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे हरियाणा डायरी में। तो चंडीगढ़ में स्टेट हेल्थ सोसाइटी एनएचएम हरियाणा की 8वीं जनरल बॉडी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सुधार देखने को भी मिला है। समय समय पर चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या फिर अन्य मंत्री, समय समय पर कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करते रहते हैं। चंडीगढ़ में स्टेट हेल्थ सोसाइटी एनएचएम हरियाणा की 8वीं जनरल बॉडी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता और विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा अन्य मंत्रियों ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नेत्रदान के लिए जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। स्कूली बच्चों का वर्ष में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप अवश्य हो। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार हो। एनएचएम की गवर्निंग और जनरल बॉडी की बैठक साल में कम से कम एक बार हो। मुख्यालय से 2 से 3 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए जो जिलों में बैठकों का संचालन करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल विभागों से अलग से इंजीनियर विंग स्थापित की जाए। कृत्रिम अंगों की आवश्यकता की जानकारी के लिए पोर्टल बनाया जाए। हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने के लिए तैयार कार्य योजना पर तेजी से काम किया जाए। अस्पतालों में जल्द किचन सुविधा की व्यवस्था की जाए। एनएचएम का हर वर्ष ऑडिट करवाया जाए। कोरोना का नया वेरियंट आया है, इसके लिए विभाग पूरी सतर्कता बरते। नेत्र जांच के समय एम्बिलियोपिया पर विशेष ध्यान दिया जाए। एम्स के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर के सहयोग से 4 जिलों का सर्वे करवाया जाएगा। गुरुग्राम, यमुनानगर, फतेहाबाद और नूह जिले में ये सर्वे करवाया जाएगा, जिसके तहत 20,000 से ज्यादा लोगों का नेत्र का चेकअप करवाया जाएगा। जल्द ही प्रदेश में ज्योति ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश में 23 नेत्रदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। करनाल और नूह में 2 नेत्र बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बजट यानी राशि भी स्वीकृत हुई है। हरियाणा के लिए 110 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मिशन के तहत कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 685 करोड़ रुपए है। इन 5 वर्षों की अवधि में 17 जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 5 मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 22 जिलों में एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी। बैठक में बताया गया कि एनएचएम के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,443 करोड़ 27 लाख रुपए तथा वर्ष 2023-24 के लिए 1,284 करोड़ 14 लाख रुपए के रिसोर्स एनवलप के विरुद्ध 1,012 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2022-24 के लिए कुल 2,455 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में बताया गया कि ई संजीवनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेली कंसल्टेशन सर्विस के तहत PGIMR चंडीगढ़ में एक हब बनाया गया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे टेली कंसल्टेशन सर्विस के लिए उपलब्ध हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए डॉक्टर मरीजों की बीमारी के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से सीधे PGI के विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं। हरियाणा के इस पहल की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी लोकसभा में प्रशंसा की है। साथ ही प्रदेश में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति मिली है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला के जिला अस्पतालों में HDU और ICU के लिए केंद्र की स्वीकृति मिली है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। SRS 2022 के अनुसार हरियाणा की शिशु मृत्यु दर 28 है, जो 2013 में 41 थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेत्रदान महादान है। एक व्यक्ति द्वारा दान किए गए उसके नेत्र से किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी रोशनी से भर जाती है, इसीलिए नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाए जाएं। बैठक में एनएचएम हरियाणा के गैर सरकारी सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने एनएचएम द्वारा अमल में लाई जा रही गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया, साथ ही शहीद के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शहीदों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सेवा सुरक्षा सहयोग, इस नारे के साथ हरियाणा पुलिस आम जन के लिए काम करती है। इस सेवा के दौरान ना जाने कितने पुलिस के जवान अपनी जान तक गंवा देते हैं। इन्हीं जवानों को याद करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रदेश भर में इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर शहीद हुए जवानों को याद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए देश प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों को मेरा कोटि कोटि नमन। मां भारती की रक्षा करते हुए दी गई उनकी शहादत को सदैव स्मरण किया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर हरियाणा में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्बाला शहर के पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान अम्बाला जिला के पुलिस महकमे के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सभी पुलिस अधिकारियों ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और शहीदों को सलामी दी। एडीजीपी श्रीकांत यादव ने बताया कि हर साल ये शहीदी दिवस मनाया जाता है, शहीदों की बहादुरी को याद करते हैं। ज्यादातर शहादत पुलिस महकमे की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों का पुलिस पर विश्वास नहीं है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और मेहनत करेगा। पुलिस सिर्फ सच और कानून की पालना करते हुए काम करेगी। लोगों को विश्वास दिलाया जाएगा कि पुलिस लोगों की सहायता के लिए है। ये दिन हर साल हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री के जो साथी है, जो अपनी जान की कुर्बानी अपने ड्यूटी के दौरान देते हैं, उनकी याद में हम यहाँ पर आते हैं उनको नमन करने, उनके बहादुरी को नमन करने के लिए। ये हर साल हम इस दिन को मनाते हैं, याद करते हैं उनकी बहादुरी को और अपने आप को भी याद दिलाते हैं कि अगर हमारे कुछ साथी ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे सकते हैं तो हम कम से कम बहादुरी से, निडरता से काम करके लोगों को एक विश्वास दे सकते हैं कि पुलिस उनकी मदद के लिए है, उनके लिए है। ये अपने आप को भी एक वचन देने के लिए हम हर साल यहाँ पर आते हैं। यही बात मैंने आज कही थी कि अगर आप पीस टाइम की शहादत देखें तो पुलिस की सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ होती है, और इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद भी अगर लोगों के मन में ये शंका है, ये डाउट है कि पुलिस से हमको न्याय मिलेगा कि नहीं, ये जो परसेप्शन है लोगों का, उसको बदलने के लिए पुलिस को और काम करना होगा। उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि आप अगर पुलिस के पास आओगे तो आपको हम न्याय देंगे, हम सच का साथ देंगे, हम आधे सच को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम केवल सच के लिए काम करेंगे और केवल जो कानून है उसकी पालना करेंगे, बेखौफ होके, निडर होके हम काम करेंगे। जब तक ये मैसेज हर घर तक नहीं पहुंचता, जब तक लोगों के डाउट रहेगा, तब तक हमको अपने आप पर ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कहीं कमी है, हमारे काम में कहीं कमी है।
और मैंने इसीलिए हमारे साथी को ये कहा कि आज का दिन हमको फिर से एक बार कटिबद्धता अपने मन में करने की ज़रूरत है कि हमारी जो शहादत हुई है हमारे साथियों की, उसको हम यही सैल्यूट दे सकते हैं, ये विश्वास हम लोगों में पैदा कर सके कि हाँ, पुलिस आपके लिए है, आपकी मदद के लिए है, आपकी सहायता के लिए है, और हम कोई गलत काम ना खुद करेंगे ना होने देंगे। वहीं करनाल जिला पुलिस की ओर से पुलिस लाइन में पुलिस जवान शहीदों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। करनाल रेंज के आईजी समेत जिले के सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले पुलिस की गार्ड की ओर से शहीदों को सलामी दी गई। इसके बाद आला अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और शहीदों को नमन किया। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। वहीं SP गंगाराम पुनिया ने बताया कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को याद किया जा रहा है। उन सभी जवानों का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है और हम सबके लिए एक सीख है कि हम अपने कर्तव्य मार्ग से कभी न भटके। इस देश के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करें। देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पर होता है और उसका अच्छे ढंग से निर्वहन करें। 1959 में आज ही के दिन चाइनीज फोर्स से लड़ते हुए भारतीय पुलिस के सीमा सुरक्षा बल के 10 जवानों में ने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, जिनकी याद में और जिनको सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज के दिवस को पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो 1 सितंबर 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक जो जवान पुलिस फोर्सेस के जवान जो शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इस समय में पिछले एक वर्ष के अंदर 264 जवान हैं जो शहीद हुए हैं पूरे देश के अंदर पुलिस फोर्सेस के, जिनको इसमें श्रद्धांजलि दी गई है। ये आज के दिन हम जो हमारी पुलिस फोर्सेस के जवान हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए एवं जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं उनके साथ लोहा लेते हुए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनकी हम शहादत को याद करते हैं और ये पूरी पुलिस फोर्सेज के लिए एक जो है प्रेरणा का स्रोत बनता है। जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, साथ ही उनका जीवन हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक है। हम सभी के लिए एक सीख है कि हम भी अपने कर्तव्य मार्ग से कभी ना भटके। इस देश के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करें और इस देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा जैसा कि पुलिस पे होता है तो उसका बड़े अच्छे ढंग से निर्वहन करें। इसके अलावा चरखी दादरी के महिला थाना परिसर में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला करते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन वीर जवानों को याद करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम हमारे तमाम जब भी पुलिस ड्यूटी में हमारे पुलिस बल या अर्धसैनिक बल के जवान जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर किए देश के लिए, उनको याद किया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में हम हर साल 21 अक्टूबर को सुबह एक कुछ समय के लिए उनको याद करते हैं और पुलिस स्मृति परेड की जाती है। सिरसा में परनाल रोड स्थित पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन सहित सभी उपस्थित पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सिरसा जिला के शहीद हुए पुलिस के जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। हमारी पुलिस फोर्सेस हैं पूरे भारत वर्ष की, उन्होंने जो भी इस वर्ष शहादत हुई, बलिदान हुए और पहले भी, उनको स्मरण किया जाता है और हमारे सारे उनको प्रेरित किया जाता है कि सभी लोग अपना कार्य जो है पूर्ण निष्ठा के साथ करें। और जैसा कि आपको विदित है कि चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे पुलिस हो, वो सबसे विषम परिस्थितियों में कार्य करती है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई त्यौहार हो, तो वो पुलिस के लिए नहीं होता। तो आज ये दिन है उन्हीं के समर्पण को नमन करने का, उसी को वंदन करने का। परिवारों को सम्मानित भी किया गया? हाँ, जो परिवार हैं जहाँ पे किसी की शहादत हुई है तो उनको बुला के आज सम्मानित किया गया है हमारी तरफ से। मैं यही कहूँगा कि हम सब में, जैसा कि आपने बोला, सेवा, सहयोग और सुरक्षा, तो हम सबकी प्रेरणा होना चाहिए कि एक सेवा की भावना से हम सब लोग कार्य करें और जो भी व्यक्ति आए उसकी समस्याओं का निराकरण करें, उसका सहयोग करें और हमेशा ध्यान रखें कि पूरे समाज की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है, तो उसका पूर्णता से निर्वहन करें। और यही हमारी श्रद्धांजलि उनको भी है
जिन्होंने कर्तव्य करते हुए अपना जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। वहीं पलवल जिला पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल सहित पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 20 अक्टूबर का दिन है और ये हमारा पुलिस शहीद दिवस है और इसमें हमारा पुलिस कमीशन डे हम जिसको बोलते हैं, इसमें आज हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये सेलिब्रेशन किया है। जो हमारे जिला से दो हमारे जवान शहीद हुए थे, उमर मोहम्मद और बाबूलाल, उनको परिवार को भी हमने बुलाया, सम्मानित किया है, उससे सलामी उनको दी है और सेलिब्रेशन किया है। और इसमें हमारे इस साल में हमारे दो जवान शहीद हुए हैं, हमारे DSP सुरेंद्र सिंह जो तावड़ू से और संदीप जो हमारे फरीदाबाद से शहीद हुए थे, उनको भी श्रद्धांजलि दी है। और जो हमारे पूरे स्टेट में 243 के करीब हमारे पुलिस जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है और इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम। साथ ही DSP सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि हमें शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनके परिवार को सम्मान देना चाहिए। पुलिस शहीदी दिवस पे आज पलवल पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं सभी मुलाजमों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और जो पुलिस पलवल जिले के जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को यहाँ बुलाकर पुलिस लाइन में सम्मानित किया गया। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सीमा की सुरक्षा में तैनात CRPF के जावां सैनिकों के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन हमारे जवानों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों का सामना किया और शहीद हो गए। इसी बलिदान को याद करते हुए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। वहीं हरियाणा के अनाज मंडियों में इन दिनों धान की खरीद हो रही है। मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त शब्दों में चेतावनी वो दे चुके हैं कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लिहाजा प्रशासनिक अधिकारी भी मंडियों का जायजा ले रहे हैं। मनोहर लाल के राज में कोई भी मायूस नहीं। मनोहर राज में हर क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे खेत खलियानों में काम करने वाले किसान हो या फिर प्रदेश के छात्र हो, मनोहर राज सबका ख्याल रख रहे हैं। अब भी प्रदेश में फसलों को खरीदा जा रहा है, जिसके लिए मनोहर सरकार ने किसानों के फायदे का ख्याल रखा और कई प्रकार की स्कीम भी जारी की। साथ ही मंडियों में किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखा। मंडियों में प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देकर पानी, शौचालय, फसल के रेट, सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया और इसके लिए अनाज मंडियों में व्यवसाय देखने के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों के एडिशनल प्रिंसिपल सचिव तैनात किए गए। यमुनानगर में सीएम मनोहर लाल के आदेशों का पालन करते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एडिशनल प्रिंसिपल सचिव अरुण कुमार ने मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ किसानों, आढ़तियों और अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि जहां पहले 72 घंटे में किसानों को उनकी फसल का भुगतान किया जाता था, अब 48 घंटों में किया जाए। जो इस समय सीमा में भुगतान नहीं करेगा उसके खिलाफ न सिर्फ पेनल्टी लगेगी बल्कि ब्याज भी देना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि फिलहाल इस तरह का कोई मामला उनके सामने नहीं आया है जिसमें भुगतान में देरी की गई हो। 72 घंटे का प्रावधान था, इस साल 48 घंटे का किया गया और वो तो सारा रिकॉर्ड पे है आज की क्योंकि वो इस समय के अंदर हो रही है। ये तो मुख्यमंत्री जी का स्पेशल सभी को आदेश था कि ये समय सीमा निर्धारित की है, उसकी पालना भी होनी चाहिए। यदि कोई हुआ तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी अधिकारी के ऊपर और हो सकता है उसको एक आध केस में होगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा उसको 48 घंटे के लिए, तो वो भी दिया जाएगा। परंतु मेरे ध्यान में लाया है कि ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं आई है। तो किसी को कोई पेनल्टी नहीं लगी? कोई वो तो एक पेनल्टी लगाने के लिए नहीं की जाती, वो दूसरों को सबक सिखाने के लिए की जाती है। ऐसी समस्या ही नहीं है तो क्यों लगाएगी? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एडिशनल प्रिंसिपल सचिव अरुण कुमार ने बताया कि यमुनानगर जिले की अनाज मंडी में अभी तक 90% धान की खरीद
की जा चुकी है, जिसके तहत 4,20,000 टन धान खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि मंडियों में आवक पिछले साल के मुकाबले कम है, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि किसानों आढ़तियों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। दौरा किया, क्या क्या देखा सर आप? मैं तो जी सरकार के आदेशानुसार एक डिस्ट्रिक्ट सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को नोट है, मुझे यमुनानगर जिला है तो इसलिए मैं तो काफ़ी आया था, परंतु पता चला है कि काफ़ी हद तक अराइवल कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 90% के करीब अराइवल लगभग इस मंडी में कह रहे हैं कि हो चुकी है, और जितने अराइवल हुई उसकी लिफ्टिंग जो होती है वो भी 90% के करीब बताते हो चुकी है। और मैं तो सिर्फ जानने के लिए, फील्ड सिचुएशन का मुआयना करने के लिए, जानने के लिए आया था। सभी लोग सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, आढ़ती भी, किसान की भी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, अच्छी बात है जी। खुशी का कारण किन का, मेन चेहरा किसके ऊपर है? ये तो सब मिलजुल के ही एफर्ट है जी, किसानों का भी सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि शुरू में मॉइस्चर कंटेंट इतना ज़्यादा था, वो भगवान की मतलब कह लीजिए दया नहीं थी, इसलिए ज़्यादा था जी, बारिश आ गई थी, वो भी किसान भी क्या करें, परंतु उस पर कोई आपस में मिल बैठ के निकाल लेते हैं कि इस मॉइस्चर का इतना कट बनेगा, तो आपस में बैठ के होगी तो अच्छी बात है, ले लीजिए। बाकी प्रशासन तो अपनी तरफ से सारी उनकी जिम्मेवारी भी है, उन्होंने कार्रवाई की भी है, सभी बताएंगे। पहली बार ऐसा हुआ सर कि हर चीज़ बड़ी इन टाइम हुई और आढ़ती भी खुश है, किसान भी खुश है। हाँ ये तो बहुत कम होता है, वैसे बड़ी खुश है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सर, कितनी धान आई सर इस बार? लगभग 4,00,000 टन के करीब जिले में बता रहे हैं, 4,20,000 टन आ चुकी है और लगभग 5,00,000 टन आने की संभावना है इस बार, पिछले साल से कम आने की संभावना है। ये ट्रेंड अधिकतर सभी जिलों में ऐसा ही है, पूरे स्टेट में भी उतनी परसेंटेज कम आने की संभावना है, तो इसलिए भी थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। हालांकि अर्ली अराइवल हुई है पिछले साल के मुकाबले, आज की डेट तक मेरे ख्याल से इसकी 70% के करीब आई होगी, जितनी 296 आई थी और जो 4,00,000 टन के करीब 4,20 आ चुकी है, तो अराइवल फास्ट हुई है। तो उसका कारण हो सकता है बारिश का अंदेशा, जो बीच बीच में बनता रहा उसके कारण किसान ने भी हार्वेस्टिंग फास्ट की होगी। वहीं SDM सुशील कुमार ने बताया कि यमुनानगर जिले में 13 अनाज मंडियां हैं, जहां अभी तक 4,18,000 मैट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 91% की लिफ्टिंग भी हो चुकी है और 81% किसानों को पेमेंट भी उनके खाते में जमा करवाई जा चुकी है। यमुनानगर में हमारी 13 मंडियां हैं, उसमें जो बड़ी मंडियां हैं इसमें मुख्यतः जगाधरी, रादौर, सरस्वती नगर, प्रताप नगर, बिलासपुर, ये हमारी मेन मंडियाँ हैं जहाँ पर पैडी का अराइवल मुख्य तौर पर रहता है। इस बार हम अब तक 4,18,000 MT अब तक परचेज कर चुके हैं, उसका लगभग 91% हमारा लिफ्टिंग हो चुका है और लगभग 81% फार्मर्स के खाते में पेमेंट भी जा चुकी है। पिछली बार के साथ अगर तुलना करें तो हमें उम्मीद है कि 5,00,000 MT तक हमारे ज़िले में धान की आवक रहेगी, क्योंकि ऑफ लेट बारिश हुई थी और पहले भी बारिश की मार पैडी पर पड़ी है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रोडक्शन लॉस होने की संभावना है, लगभग 10% से 15% के बीच प्रोडक्शन लॉस इसमें हो सकता है। सर पैसे की बात करें, किसानों की पेमेंट जा रही? जी बिल्कुल, अब की बार एक और अच्छी मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दिए थे कि 48 आवर्स में हमारे किसान भाइयों के खाते में पेमेंट चली जानी चाहिए, तो हम 81% का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो पेमेंट कर चुके हैं। वहीं आढ़तियों में अरुण कुमार के दौरे से काफी खुशी है, उनका कहना है कि अरुण कुमार का आना अच्छा रहा, इससे हमें जो परेशानियाँ थी वो हम उनसे कह सकते हैं। साथ ही कहा कि इस बार सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, आरती मनोहर सरकार से खुश हैं। उनका आना बनता है क्योंकि अगर मंडी में कोई समस्या होता है उनके समक्ष रख सकते हैं, और मंडी में अब की बार जो आप देख रहे हैं कि अराइवल जो शुरू में एकदम से आपको भी हमने बताया था कि बहुत तेजी से अराइवल आई थी, और इस टाइम जो अराइवल है वो घट के आज 20,000 को टोटल बोरी मंडी में आई है, तो अराइवल बहुत घट चुकी है और काम अब ठीक चल रहा है, माल जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई चीज़ में मोस्चर नहीं आ रहा है, और हम उनके दौरे सेटिस्फाई हैं क्योंकि अच्छे हुआ हूँ मंडी में। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल है, प्रशासन का सहयोग हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। फसल खरीद के समय में मनोहर लाल ने जो सुविधाएं किसानों को दी हैं, उससे आढ़ती और किसान संतुष्ट नजर आते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं जब किसान मुख्यमंत्री से संतुष्ट नजर आए। ये मनोहर लाल हमेशा ही किसानों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं,
मंडियों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात हो या आढ़तियों समेत किसानों के हितों की, प्रदेश सरकार की नीतियों से जमीनी स्तर पर फायदा उठाने वाले किसान संतुष्ट नजर आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास किया जा सके, योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।